बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 14 अगस्त 2021, इस साल जब यौम आज़ादी मनाया गया तो मीनार पाकिस्तान के सामने एक टिक टॉकर जिसका नाम आयशा बताया जा रहा है, उसके साथ एक आवाम के जम्मे गफीर ने और कुछ लोगों ने जो कुछ किया, उसे बरहना किया, उसे हरेस करते रहे, उसके जिस्म को नोचते रहे, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। और जब ये वीडियो सामने आई तो पूरे का पूरा पाकिस्तान हिल कर रह गया और हर शख्स ने खुलकर इसकी मजम्मत की। हर शख्स ने अपनी तरबियत, अपने मजहब और अपने मुल्क के साथ वफादारी के लिए इस वाकये की इतने अल्फाज में मजम्मत की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम सब गुस्से में थे, लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त कुछ ऐसी डिटेल्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया सारफीन इस पूरे वाकये पर बहुत ज्यादा डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। इस सारे वाकये के अंदर आयशा नामी ये जो किरदार है, इसके अलावा एक और शख्स भी है जिसका आज पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखेंगे, और ये है रैम्बो। ये रैम्बो नामी टिकटॉकर कौन है जो आयशा के साथ हर टिकटॉक के अंदर नजर आता था और मीनारे पाकिस्तान के इवेंट के अंदर भी। इस सारे वाकये से पहले इन दोनों ने एक ऐसा टिकटॉक कौन सा बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि हम अब सरप्राइज देंगे और अब हम अपने फॉलोअर्स जो हैं उन्हें मजीद बढ़ाएंगे, और क्या ये वही सरप्राइज है? और इस सब में कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। इस सब के अंदर बड़े मशहूर और बड़े अच्छे साफी हैं इकरार हसन साहब और यासिर शामी साहब, उनका किरदार क्या है, इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। मैं किसी भी सूरत विक्टिम की ब्लेमिंग नहीं करूंगा, मैं किसी भी सूरत यह नहीं कहूंगा कि उस औरत को वहां पर जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो हकायक है, जो रियलिटीज हैं, जो ग्राउंड पर हुआ वो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। और किसी भी सूरत ये सारी की सारी रियलिटीज इस चीज को जस्टिफाई तो नहीं करती जो उन दरिंदों ने किया, और उन दरिंदों को एक एग्जांपल बनाना होगा, उन दरिंदों को निशाने इबरत बनाना होगा। कोई भी चीज, हमारा मजहब जो अमन का दर्श देता है, जो सलामती का दर्श देता है, वो किसी भी सूरत ये नहीं कहता कि किसी औरत जो है वो जिस तरह से मर्जी जा रही हो कि आप उसके कपड़े फाड़कर, उसे बरहना करकर, उसके जिस्म को हाथ लगाएं या कुछ ऐसा करें। इस चीज की जितनी मजम्मत की जाए कम है, और उन दरिंदों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी डिटेल्स जो है वो जानना बहुत जरूरी है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। मैं आज इंटरनेशनल मीडिया का रिस्पॉन्स भी आपके सामने रखूंगा। और नाज़रीन किराम, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, यह वाकया 14 अगस्त को हुआ और तकरीबन 16-17 अगस्त के करीब इस वाकये के हवाले से सोशल मीडिया पर यह वीडियोज जो है ये वायरल होना शुरू हुई। उसके बाद जारी बात है पाकिस्तान के अंदर हम भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, मैंने भी वीडियो बनाई, आप सब लोग, हर बहन बेटी वाला भाई शख्स जो है, हर जी शऊर पाकिस्तानी, हर शख्स जिसके अंदर ईमान है वो लरज उठा इससे कि ये मेरे मुल्क, प्यारे मुल्क में क्या हो रहा है। और इस सारे वाकये के बाद जो वीडियो आई, जो इंटरव्यू हुआ डेली पाकिस्तान के ऊपर, यासिर शामी साहब ने किया और उनके साथ इकरार भाई भी थे, और दोनों ने उस जो खातून है उसके सर पर हाथ रखा, उसे यकीन दिलाया कि आपको हम इंसाफ दिलाएंगे, और ये होना भी चाहिए था। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बड़ी गूंज रही। आप सबसे पहले भारतीय मीडिया की जो आउटलेट है द प्रिंट, उसकी ये खबर देखें, 400 पाकिस्तानी मेन सेक्सुअली असॉल्ट अ वुमन इन लाहौर, ट्विटर सेज नो लेस देन तालिबान। यानी द प्रिंट वाले कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं काम पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, ये तालिबान के वाले काम है, और लाहौर पुलिस जो है उसने इसमें, इन्होंने लिखा कि एफआईआर रजिस्टर हो गई, ये सब हो गया। पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज भी इस पर बोली, यस ऑल मैन, यानी कि हर मर्द ऐसा है, सेलेब्स डिस्गस्टेड, अशेम्ड एंड फ्यूरियस आफ्टर मीनारे पाकिस्तान इंसिडेंट। यानी सेलिब्रिटीज जो है वो कह रही है कि अब हर मर्द जो है इसमें तो साबित हो गया कि ऐसा है, और हर मर्द जो है वो इस तरह के काम जो है वो करता है। इसके अलावा याहू न्यूज इंडिया है, वो देख लें आप, टोर माय क्लोथ्स, गर्ल हरास मोलेस्टेड ऑन पाकिस्तान डे, 400 पीपल बुक्ड। इसके साथ ही साथ आप एक और, स्पेन का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी खबर देखें, आपको इसकी जुबान स्पेनिश तो नहीं समझ आ रही होगी, इसमें इसी वाकये का जिक्र है। CNN, BBC, नाम लें आप किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट का, वहां पर इस वाकये को
कवरेज दी गई। मैं समझता हूं कवरेज दें, बिल्कुल दें, लेकिन फिर भारतीय मीडिया ने इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। फिर एक लिबरल माफिया निकला जिसने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पर्दे वाले बयान को फिर से इसके साथ लगाना शुरू कर दिया, मर्दों के रोबोट वाले बयान को, जिस पर हजार दफा वजाहत आ चुकी है। लेकिन फिर इसे एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान का यह बयानिया बनाने की कोशिश की गई और ये मौकफ देने की कोशिश की गई जी पाकिस्तान जो है ये तो तालिबान से कम नहीं है, इन्हें तो तालिबान की जरूरत नहीं है, ये तो जी जो अफगानिस्तान में वो करेंगे या करते रहे हैं ये तो उससे ज्यादा बदतर काम कर रहे हैं। यानी इस तरह के मामलात जो हैं, अलबत्ता आपने देखा कि किस कदर बेलौस होकर ये पाकिस्तानी मर्द थे जिन्होंने इस चीज की मजम्मत की, इस सब के अंदर इसके ऊपर बोले, इसके ऊपर इसकी मजम्मत की, इन लोगों को लटकाने का, मीनारे पाकिस्तान से लटकाने का मुतालबा किया। क्यों किया भाई? क्योंकि हम इस चीज के खिलाफ हैं और पूरा मुआशरा जो है वो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मजम्मत करते इस करते बहुत आगे नहीं निकलना होता। अब नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस टिकटॉकर खातून जो है इसे यहां पर इसे हिरासा करने के जो 400 अफराद हैं उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने 24 वीडियो क्लिप्स का जायजा लिया और इन 24 वीडियो क्लिप्स के अंदर 56 अफराद की तस्वीर हासिल कर ली हैं और उनकी शनाख्त के लिए ये तस्वीर जो हैं ये नादरा को भेज दी गई हैं। इलावा अजीम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी जा चुकी हैं। नादरा से मिलने वाली तफसीलात की रोशनी में मुलजिमान जो हैं उनके लिए मजीद छापे मारे जाएंगे और उन्हें मजीद गिरफ्तार किया जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि कुछ अफराद जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो पुलिस को दरपेश है, जो मेरे जराए से बात हुई है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ होने से पहले, क्योंकि मीट एंड ग्रीट था, ये सब होने से पहले इन लोगों ने जो सेल्फियां बनाई हैं हमने उन्हें पकड़ लिया है, जबकि ये लोग वहां पर हरास करने वाले वक्त पे मौजूद नहीं थे, ये इधर उधर हो गए थे। तो इसलिए पुलिस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं और इसमें जारी बात है अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारे किरदार जो हैं ये सामने आएंगे और ये सारे का सारा जो है ये मामला क्लियर होना चाहिए। नाज़रीन किराम, अब ये जो शख्स है रैम्बो, ये एक टिकटॉकर है और कहा जाता है कि इसके अपने बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लाखों में, मिलियंस में इसके फॉलोअर और लाइक्स हैं ट्विटर टिकटॉक के ऊपर। और ये जो शख्स है ये इस खातून जो है इससे कुछ ही अरसा पहले मिला और इसे इसने कहा कि मैं भी आपके फॉलोअर बढ़ाऊंगा, आपके साथ टिकटॉक बनाऊंगा। इनके कुछ अकाउंट जो है वो बंद भी हुए थे और जब वो अकाउंट बंद हुए तो उस वक्त इन्होंने क्या कहा और एक टिकटॉक जो है वो इनका सामने आया है। आप नाज़रीन किराम जरा ये जो टिकटॉक है सबसे पहले ये सुने, फिर मैं आपको इन चारों किरदारों के बारे में बताता हूँ। क्यों प्रॉब्लम है यार? पहले 2 अकाउंट मेरे वो किसी ने हैक कर लिए, अब रिपोर्टें मार मार के ये भी बैन करवा दिया रैम्बो दिल सैम वाला। कोई बात नहीं रैम्बो, दिल छोटा नहीं करो, इंशाल्लाह हम फिर से मेहनत करेंगे और एक बड़ा सरप्राइज आप सबके लिए आने वाला है और आप लोगों ने फिर से हमें सपोर्ट करना है। और टैलेंट कभी मरता नहीं है, याद रखिएगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हर दफा मेरी सपोर्ट की, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच हमसे। नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें इनके कुछ अकाउंट्स जो हैं उनके हवाले से ये अपने मुखालफीन को मुखातिब किए हुए थे और ये इसी वाक़े से चंद दिन पहले का मामला हुआ। इसके बाद एक वीडियो है जो आयशा साहिबा जो हैं इन्होंने डिलीट किया अपने टिकटॉक से। अलबत्ता मैं समझता हूं कि ऐसे इशू के अंदर डिलीट ना करें वो तो ज्यादा बेहतर था कि क्योंकि मामला मशकूक हो जाता है और फिर इस तरह का जो दूसरा नैरेटिव रखने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं आपके सामने कोई अपनी राय नहीं दे रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बात क्या चल रही है। तो ये जो आयशा साहिबा इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि मैं अपने फैन से मीट एंड ग्रीट करूंगी और अपने जो फैंस हैं उन्हें मैं मीनारे पाकिस्तान 14 अगस्त को मिलूंगी और जारी बात है इन्हें वहां पर सेफ होना चाहिए था, ये चाहे फैन से मिलने जा रही हैं, जिससे भी मिलने जा रही हैं, मर्दों का फिर भी ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन रियलिटीज जो पूरी कहानी है वो तो आपके सामने रखी जाए। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम और बहुत सी चीजें जो हैं वो बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जब ये वाकया हुआ उसके अगले दिन ये वीडियो जो है ये वायरल हुई लेकिन आइडेंटिटी सामने नहीं आई, तो ये जो आयशा साहिबा है इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी लगाती रही और उसके बाद ये अपनी पोस्टें जो है वो भी करती रही। इसके ऊपर भी कुछ सोशल मीडिया सारिफीन थोड़ा सा तनकीद भी कर रहे हैं और इस पर शकूक व शुबात का इजहार भी कर रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं नाज़रीन किराम कि ये 15 अगस्त को इन्होंने लगाई, यानी 14 अगस्त को जब वाकया हुआ उसके बाद ये अपडेट भी कर रही थी। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, जिसमें इन्होंने टिकटॉक पर ही कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, जो कि जाहिरी बात है बहुत गलत हुआ है। और इसके अंदर रैम्बो साहब जो है ये भी बोल रहे हैं बहुत कुछ। तो नाज़रीन किराम ये मामला यहां पर आया, लेकिन इसे हाइप उस वक्त मिली जब इकरारुल हसन साहब और यासिर शामी साहब यहां पर गए। और मैं ये नहीं समझता कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, मैं उसे भी क्लियर कर दूं कि ये रैम्बो के वाले से भी कुछ चीजें आ रही हैं और इकरार भाई जो हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं फिर मैं अपनी तजिए पे आता हूं। ये एक आप ट्वीट देख सकते हैं,
Why this culprit Rambo isn't arrested yet? He was the one who planned. He took the lady there and hugged her in front of the public. ये सारी बातें वहाँ पर नजर आ रहा है कि उसे खातून को inappropriately पकड़ा हुआ है इसने. He isn't her husband. He pushed the public for whatever happened there and possibly he invited Shami and Iqrar who made it national issue. ये एक Twitter user कह रहे हैं, जबकि दूसरे में आप ये देख सकते हैं नाज़रीन-ए-किराम के एक और खबर जो है, एक और तज़िया जो है ट्विटर सारिफ का, इसी रैम्बो की तस्वीर है और इसने टीम सरेआम की शर्ट पहनी हुई है, तो गालिबन इसी ने इनवाइट किया होगा कि आप आए और जुल्म हुआ इंटरव्यू करें. अच्छा, इकरार भाई ने इसलिए इतना एक्शन लिया है, रैम्बो टीम सरेआम का बंदा है. ये तस्वीर 10 अगस्त की है, बताया जा रहा है सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है. इदारों से दरखास्त है मामला फुल इन्वेस्टिगेट करें. ये नाज़रीन-ए-किराम कुछ ट्वीट्स हैं, इसमें इस शख्स की तस्वीर तो सामने आ रही है और मैं समझता हूं कि जाती तौर पर मेरा यह मानना है कि बतौर सहाफी अगर मैं अपने आप को रखूं और मुझे यहां पर अभी बैठे हुए बताया जाए कि चाहे वो मेरी टीम का हिस्सा हो, टीम सरेआम का हिस्सा हो या जिसका भी हिस्सा हो, अगर मुझे कोई शख्स ये बताएगा कि खातून के साथ ज्यादती हुई है, एक खातून के साथ जुल्म हुआ है, तो जाती तौर पे मैं आपको अपना बताऊं कि मैं तो सबसे पहले जाऊंगा उसकी आवाज बनने, क्योंकि मेरा फर्ज भी ये है और मेरा ये इसे मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि भाई हर मजलूम की आवाज बनना है. जिसके साथ जुल्म होता है हमने उसे नहीं देखना कि क्या है. लेकिन इस सब के अंदर ये सारा कुछ जो है ये सामने आ रहा है. अब जो ये साजिश है या प्री प्लान्ड है या ड्रामा है, उसके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होंगी, हर रुख से इन्वेस्टिगेशन होगी. लेकिन उसके बावजूद भी जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने खातून के साथ ज्यादती की है, उसके कपड़े फाड़े हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. लेकिन हकीकत भी सामने आनी चाहिए. और इसके अंदर जारी बात है वीडियोस बहुत से लोगों ने बनाई, बहुत से लोग आउटरेज थे, तो बहुत से लोगों को इन्होंने, अगर ये ऐसा मामला है, अगर तो इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर बहुत से लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली सब के अंदर इस्तेमाल भी हो गए चाहते ना चाहते हुए. तो ये भी एक मामला है कि और इस सब के अंदर हमें इस एंगल से भी सबको देखना होगा कि ये मामला किस कदर और किस तरफ को जा रहा है, इसकी रियलिटीज क्या है. और इस वाकये के बाद जिस तरह से एक सिस्टमैटिक कैंपेन, पर्दा और इन तमाम तर चीजों के, इमरान खान के बयान, पाकिस्तान को तालिबान से तशबीह देना, ये सारे का सारा मामला जो है ये भी एक अलग कहानी है. और इसे भी इन्वेस्टिगेट जो है वो पूरे तरीके से होना चाहिए और हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके. मैंने दोनों साइड्स का वर्जन जो है वो आपके सामने रख दिया है ताकि पूरी स्टोरी जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. फैसला आपने करना है. कमेंट सेक्शन में अपने फैसले से आगाह जरूर कीजिएगा, अपने तजिए से कि आपको क्या लगता है. अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद.